गति के नियम। किसी भी वस्तु या पिंड की गति दिखाने के लिए समीकरण सबसे योग्य होता है। कभी कभी इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें चित्र की आवश्यकता होती है। ऐसे ही गणितीय चित्र को आलेख कहते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में घटने वाली घटनाओं को सुगठित रूप में दिखाने का आलेख एक उत्तम साधन है। गति का आलेख अनेक प्रकारों में आता है। ये प्रकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो किन चलों पर निर्भर है, जैसे समय, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये किस अक्ष पर लिए गए हैं। सबसे पहले हम गति के बारे में जो जानकारी है उसका आलेख पर किस प्रकार आलेखन करना है ये समझेंगे। विस्थापन समय, चलिए कार की गति के आलेखन से आरंभ करते हैं। हम समय को x अक्ष पर लिखेंगे और विस्थापन को y अक्ष पर लेंगे। पहले सेकंड में कार 1 मीटर का अंतर पार करती है, 2 सेकंडों में वो 2 मीटर का अंतर पार करती है, 3 सेकंडों में वो 3 मीटर का अंतर पार करती है और 4 सेकंडों में वो 4 मीटर का अंतर पार करती है। अगर हमने इस गति को आलेखित किया तो हमें कुछ इस प्रकार का आलेख प्राप्त होगा। रेखा की ढलान कार की चाल दर्शाती है, जो 1 मीटर प्रति सेकंड है। चूंकि ये एक सीधी रेखा है, हम ये कह सकते हैं कि इसका समान वेग था। आलेख में अंतर्निहित क्षेत्र कार द्वारा 4 सेकंडों में किए गए विस्थापन के बारे में बताता है। जब कार त्वरण की स्थिति में होगी तो हम ophysics.com सिमुलेशन का उपयोग कर विस्थापन समय के आलेख को समझेंगे। कार रुकी हुई है और आरंभ में उसका प्रारंभिक वेग 0 है। कार के त्वरण का दर 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। इस आलेख में पहले वाले आलेख में जो प्राथमिक भेद है वो है रेखा का आकार। जब त्वरण स्थिर होता है तब विस्थापन और समय के बीच में द्विघात संबंध होता है और इसी कारण से आलेख का वक्र पैराबोलय होता है। जब विस्थापन समय का आलेख वक्र होता है तब ढलान के आधार पर वेग की गणना करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ढलान सिर्फ सीधी रेखाओं की खासियत है। उन वस्तुओं में वेग नहीं होता है क्योंकि उनमें ढलान नहीं होती है। इन परिस्थितियों में वेग का एक भी संदर्भ नहीं मिलता है। ऐसी वस्तु का वेग बदलता रहता है, वो वस्तु त्वरण करती है। भले ही कार का कोई एक वेग नहीं है, फिर भी कार का औसतन वेग है और वेग के निरंतर संग्रहण से निर्मित उसका तात्कालिक वेग भी है। किसी भी वस्तु का औसतन वेग हमें संपूर्ण विस्थापन को संपूर्ण काल के साथ भाग निकलने पर मिल सकता है। और तात्कालिक वेग का अर्थ स्पर्श रेखा की ढलान है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर छूती है। विस्थापन समय के आलेख पर एक वक्र रेखा त्वरण दर्शाती है, ढलान स्थिर वेग के समान वेग को दर्शाती है, 2 y आरंभ के विस्थापन के समय समान का अवरोधन करता है, 3 दो वक्र जहां संपाती होती हैं वहां उन दो वस्तुओं का एक ही विस्थापन एक ही समय पर होता है, 4 जो वस्तु सतत त्वरित गति में होती है वो पैराबोला बनाती है, 5 औसतन वेग सीधी रेखा की ढलान होती है जो वक्र रेखाओं के अंत बिंदुओं पर मिलती है, 6 तात्कालिक वेग स्पर्श रेखा है जो वक्र को किसी एक बिंदु पर छूती है, उस रेखा की ढलान है। हम अन्य कुछ उदाहरणों द्वारा विस्थापन समय को अधिक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 1 नीली कार लाल कार से 20 मीटर आगे हैं। नीले कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है और लाल कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। दोनों कारों में त्वरण नहीं हो रहा है। 2 नीली कार लाल कार से 20 मीटर आगे है। नीली कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है और लाल कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। नीली कार में त्वरित गति नहीं है पर लाल कार में 2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड से त्वरण हो रहा है। चूंकि लाल कार में त्वरण हो रहा है इसलिए उसका आलेख वक्र है। भले ही आरंभ में उसका वेग नीले कार से आधा है पर बाद में लाल कार का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हर सेकंड बढ़ता ही गया है। जब 12 सेकंड के बाद लाल कार नीले कार के बराबरी में आती है तब उस समय उसका वेग 33 मीटर प्रति सेकंड है। 3 दोनों कारों में 0 विस्थापन और 0 प्रारंभिक वेग है। नीले कार की त्वरित गति का दर 2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है और लाल कार की त्वरित गति 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है।
25 सेकंडों के बाद नीले कार का वेग 102 मीटर प्रति सेकंड है और लाल कार का वेग 51 मीटर प्रति सेकंड है। चूंकि कारों में त्वरण हो रहा है इसीलिए ये वेग तात्कालिक वेग कहा जाएगा और ये समय के साथ परिवर्तित होता जाएगा। ऋणात्मक ढलान का अर्थ अपने आप पीछे की ओर चलाना या फिर बाईं ओर से चलना या फिर गिरना ऐसा नहीं होता है। संकेतों का चुनाव मनमाना हो सकता है। इन सब के बारे में हम कुल मिलाकर एक बात कह सकते हैं कि जब ढलान ऋणात्मक हो तब वस्तु ऋणात्मक दिशा की ओर जा रही है। विस्थापन समय आलेख पर एक, धनात्मक ढलान का अर्थ चाल धनात्मक दिशा की ओर है। दो, ऋणात्मक ढलान का अर्थ चाल ऋणात्मक दिशा की ओर है। तीन, शून्य ढलान विश्राम की स्थिति दिखाता है। वेग समय आलेख, वेग समय आलेख द्वारा हम सीधी रेखा में जाने वाली वस्तु के वेग में आए बदलाव को दिखा सकते हैं। इस आलेख में समय को x अक्ष पर दिखाया जाता है और वेग को y अक्ष पर दिखाया जाता है। ये आलेख विभिन्न समय में वस्तु की भिन्न गति का रिकॉर्ड रखती है। इस आलेख में उच्चतम बिंदु जल्द गति या दूरी नहीं दर्शाता है। v इज इक्वल टू 9.0 मीटर प्रति सेकंड दर्शाने वाली दूसरी रेखा सबसे उच्चतम बिंदु पर है क्योंकि ये कार अन्य कार से जिसकी वेलोसिटी 3.0 प्रति सेकंड अधिक गति से जा रही है। ये आलेख समस्तरीय होते हैं। 7 सेकंड पर दोनों कारों का प्रारंभिक वेग समान है जो अंतिम वेग के समान है और बीच बीच में भी वो समान दिख रहा है। इन 7 सेकंड के अंतराल में इन दोनों कारों का वेग स्थिर है। इन 7 सेकंड के दौरान नीले कार का कुल विस्थापन 14 मीटर रहा है। ये क्षेत्र छायांकित क्षेत्र के बराबर है। इससे हमें समझने में आसानी होगी। जब वेग समय का आलेख सीधी रेखा में है पर वो समस्तरीय नहीं है इसका अर्थ है वेग बदल रहा है। लाल कार का वेग नीले कार के वेग से अधिक है। जो रेखाएं आलेख में लाल और नीले कार को दर्शाती है उसकी ढलाने अलग अलग हैं। जिस रेखा में तीव्र ढलान है वहां वेग में तीव्र गति से परिवर्तन होता दिखता है जैसा लाल रंग के कार में दिखता है। इस कार में अधिक त्वरण है। हम देख सकते हैं कि त्वरण ढलान और प्राथमिक वेग के अनुरूप होता है खासकर जहां वो खड़े अक्ष के आरंभ में वो अन्य रेखाओं के साथ हो। सारी रेखाएं आरंभ में एक दूसरे से मिली हुई है। यहां पर कार रुकी हुई है। प्रारंभिक वेग शून्य है। इसका ये अर्थ नहीं होता कि प्रारंभिक स्थिति भी शून्य हो। इसके पहले के आलेख में सारी रेखाएं सीधी रेखाएं थी। एक सीधी रेखा वास्तविक स्थिर ढलान को दर्शाने वाला वक्र होती है। चूंकि वेग समय के आलेख में ढलान त्वरण दर्शाता है वे कार जो इस आलेख में दर्शाई गई है वे स्थिर त्वरण के साथ आगे बढ़ रही है। जहां पर आलेख वक्र है वहां त्वरण स्थिर नहीं है। इस आलेख के बारे में हम कह सकते हैं कि लाल और नीली कार त्वरित गति में है। नीले कार का प्रारंभिक वेग शून्य है जबकि लाल कार का 2 मीटर प्रति सेकंड है। हालांकि नीले कार का त्वरण लाल कार से अधिक है। 5 सैकड़ों के बाद ये रेखाएं मिलती हैं जो ये दर्शाता है कि दोनों कारों का तात्कालिक वेग समान है। वेग समय के आलेख के बारे में हम कह सकते हैं एक, ढलान का अर्थ त्वरण है। दो, वाय अक्ष पर प्रारंभिक वेग समान जगह पर इंटरसेप्ट होता है। तीन, जब वक्र एक दूसरे से मिलते हैं वहां उन दो वस्तुओं का उस समय का वेग समान होता है। चार, सीधी रेखाएं स्थिर त्वरण दर्शाती हैं। पांच, वक्र रेखाएं असमान त्वरण दिखाती हैं। शून्य त्वरण, कार 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। चूंकि यहां पर वेग स्थिर है इसलिए त्वरण शून्य है। वेग समय के आलेख में इस प्रकार की गति को हमेशा सीधी रेखा में दिखाया जाता है। धनात्मक त्वरण, कार 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। उसके त्वरण का दर 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। उसका वेग समय के साथ बढ़ता है। वेग समय के आलेख पर उसके ढलान का निरीक्षण करें। कार का त्वरण धनात्मक त्वरण है। ऋणात्मक त्वरण, जब कार का वेग समय के साथ कम होते जाता है उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इसे अवत्वरण या मंदन भी कहा जाता है। कार 2 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से जा रही है। चूंकि त्वरण ऋणात्मक है वो कुछ समय एक बाद दिशा बदल सकती है। चुनौती स्वीकार करें।
इस चाल के आलेख को देखें और बताएं कि ये वस्तु आरंभ से कितनी दूरी पर जाकर खत्म हुई है। सारांश, हमने किसी वस्तु के गति के बारे में दिए हुए तथ्यों को आलेख पर उतारना सीखा। आप भी इस प्रकार के आलेखों का उपयोग कर गति के आलेखीय रूप का अभ्यास कर सकते हैं।